hello guys this is geologist ak and i am here to talk about synthesis of dna at replication fork to explain this the dna synthesis at the replication fork i will talk about trombone model in case of prokaryotes and for the comparative study in case of eukaryote <laughs> Uh, with the, this prokaryotic model i will talk about different enzymes how does they play a role in the synthesis of dna at the replication fork or at the junction of double stranded dna or single stranded dna so let's begin so to explain the synthesis of dna at the replication fork i'm going to discuss all these points my first point is to uh, talking about dna polymerase 3 holo enzyme what are its constituents and how does it function and then trombone model uh, it gives the answer of a question that how do the multiple dna polymerase remain linked at the replication fork while synthesized dna on both the leading and lagging lagging template strand and next is interaction between replication fork protein form the E. coli replisome how does these different proteins along with RNA uh, polymerase and different uh, sliding loader how does they form a Complex that is E. coli replisome to initiate the replication process in case of E. coli, and then I will talk about how does this DNA synthesized at the replication fork in case of eukaryotes, in which I will talk about different types of enzyme. So, come to our first point that is DNA polymerase third holo enzyme. एज वी नो डैट वैन जब हमारा डी एन ए जो सिंथिस स्टार्ट होता है तो जो डबल स्टैंडर्ड डी एन ए है वो सिंगल स्टैंड में तोड़ दिया जाता है और वो क्या करता है वो किसके थ्रू यहाँ पे सिंगल स्टैंड में और टेम्पलेट स्टैंड में ब्रेक डाउन किया जाता है वो हैलीकेज इनजैम्स के थ्रू ब्रेक डाउन किया जाता है तो जो हैलीकेज है उसको सिंगल स्टैंड में जब ब्रोक डाउन कर देता है तो ये क्या करता है वहाँ पे कई बार चांस होते हैं कि ये जो सिंगल स्टैंड टेम्पलेट हैं इनमें क्या हो सकता है कंप्लीट ब्रेक हो सकता है जब इनमें ब्रेकिंग आ जाएगी और यहाँ पे जो बेस पेयर है न्यूक्लोटाइड बेस पेयर है वो ब्रेकआउट हो जाएंगे तो उस टाइम पे यहाँ पे जो हमारा क्रोमोसोम है वो भी कंप्लीटली ब्रेक आउट हो सकता है इसकी वजह से ये जो प्रोसेस है इसको रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर रिपेयर हो भी जाता है तो बहुत सारी म्यूटेशन क्रिएट हो जाती हैं तो इसलिए जो ये सिंगल स्टैंड क्रिएट होते हैं ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है रेप्लिकेशन प्रोसेस का कि जैसे ही हमारे सिंगल स्टैंड फॉर्म होते हैं ऐसे ही हमें जो रेप्लीकेशन है उस प्रोसेस को इनिशिएट कर देना चाहिए सो so, जो रेप्लीकेशन है बोथ स्टैंड की लेगिंग स्टैंड और लीडिंग स्टैंड की वो साइमल्टेनियसली होती है इसकी अब दोनों साइमल्टेनियसली जब होती है प्रोसेस फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम में और थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम में उसके लिए बहुत सारे की प्रेजेंस चाहिए होती है कि बहुत सारे आ, जो मल्टीपल पोल यहां पे एक्ट करते हैं एट द एप्लीकेशन फोर्क तो ये जो मल्टीपल जो पोलिम्रेज हैं वो ई कोलाई के केस में ये पोलिम्रेज लिंक होके क्या फॉर्म करते है? एक लार्ज मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और उस मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को कहते हैं डी एन ए पोलिम्रेज थर्ड होलो एनजाइम ये जो होलो एनजाइम है जो कि यहाँ पे पिक्चर में शो किया गया है इसमें फोर इंजाइम की कॉपी प्रेजेंट होती है मीन्स जितने भी होलो एंजाइम प्रेजेंट होंगे उनमें फोर एंजाइम प्रेजेंट होंगे उसमें फोर एंजाइम में क्या क्या इंक्लूड होता है जो थ्री कॉपी होती है कोर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इंजाम की जो यहाँ पे ग्रीन कलर में शो किया गया है ये थ्री कोर पॉलीमरेज थ्री एंजाइम्स हैं और उसके बाद इसमें एक कॉपी होती है वो होती है इसमें फाइव सब यूनिट्स स्लाइडिंग क्लैम्प लोडर की मीन्स एक स्लाइडिंग क्लैम्प लोडर प्रेजेंट होता है जो कि यहाँ पे शो किया गया है और इस स्लाइडिंग क्लैम्प लोडर में फाइव सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं और इस स्लाइडिंग क्लैम्प की एक कॉपी प्रेजेंट होती है पर जो ये यहाँ पर डी एन ए पोलिम्ब्रेस कोर डी एन ए पोलिम्ब्रेस थर्ड एंजाइम है जो कि मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है आ, यू कैरोड्स के केस में यहाँ पे इकोला की बात कर हो तो ये इसकी तीन कॉपी प्रेजेंट होती हैं और यहाँ पे हमारा एक कॉपी प्रेजेंट होती है स्लाइडिंग लोडर की जिसकी फाइव यूनिट है तो ये जो स्लाइडिंग लोडर है इसमें थ्री कॉपी प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे टॉर्क प्रोटीन की जो कि यहाँ पे शो की गई है और ये जो टोर्क प्रोटीन है ये इंट्रैक्ट कर रहे हैं इन कोर पोलिमरेज एंजाइम्स के साथ तो ये जो यहाँ पे ये जो टोर्क प्रोटीन है ये इनका जब सिक्वेंस अमाइनो एसिड सिक्वेंस एनालिसिस किया गया तो ये इन्होंने जब एन इस मीन अमाइनो एसिड सिक्वेंस एनालिसिस से ये इंडिकेट हुआ कि जो डीएनए एन थर्ड की बाइंडिंग रीजन जो है टोर्क प्रोटीन पे वो सेपरेट होती है उससे जिससे टोक प्रोटीन इन्वोल करता है लोडर लोडिंग में मीन्स जो ये हमारा इसकी जो क्लैम्प लोडिंग साइट होती है वो अलग होती है और कोल डीएनए पॉलीमरेज ए थर्ड से बाइंड करने की जो साइट होती है वो अलग होती है और ये यहाँ पे कैसे इन्वॉल्व होता है क्लैंप लोडिंग में वो होता है एक्सटेंडेड फ्लैंक्स जो फ्लेक्सिबल लिंकर के थ्रू यहाँ पे वो काम करता है तो ये जो लिंकर यहाँ पर शो किए गए हैं फ्लैक्सीबल लिंकर ये क्या करते हैं अलो करते हैं डी एन को मूव करने के लिए इन्हें रिलेटिवली इंडिपेंडेंट मैनर जैसे कि हमें ये पता है कि भाई एक लेगिंग स्ट्रैंड भी साथ में सिंथेसाइज होगा और लीडिंग स्ट्रैंड भी सिंथेसाइज होगा तो ये जो फ्लैक्सिबल लिंकर है जिसके थ्रू ये स्लाइडिंग क्लैंप बाइंड हो रहा है कोर पॉलीमरेज डीएनए थर्ड पॉलीमरेज से जो कि मेन डीएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम है इको के केस में उससे लिंक हो रहा है लिंकर फ्लैक्सिबल लिंकर के थ्रू क्या स्लाइडिंग क्लैंप तो ये जो स्लाइडिंग क्लैंप है तो ये ए, और क्लैंप लोडर है और स्लाइडिंग क्लैंप है बहुत तो ये जो स्लाइडिंग यहाँ पे लोडर है उसका यहाँ पे रोल क्या है फ्लेक्सिबल लिंकर का कि ये जो इंडिपेंडेंटली यहाँ पे इंडिपेंडेंट मैनर में ये मूव करते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि दोनों टाइम एक ही टाइम पे हमें लैगिंग स्टैंड भी सिंथेसाइज़ करना पड़ेगा और लीडिंग स्टैंड भी तो ये इंडिपेंडेंट मैनर में ये जो है वो नेसेसरी है किसी भी पोलिमरेज के लिए टू रेप्लीकेट द लीडिंग स्टैंड एंड द अदर टू पोलिमरेज टू रेप्लीकेट लैगिंग स्टैंड डैट इज वाई इट अदीज कोर पोल रेस एक्ट इन ए इंडिपेंडेंट मैनर टू ईच अदर कि एक हमारा लेडिंग स्टैंड पर एक्ट करेगा टू हमारे लेगिंग स्टैंड पर एक्ट करेंगे और ये किसके थ्रू किया जा रहा है फ्लेक्सीबल लिंकर के थ्रू जिसके थ्रू ये स्लाइडिंग क्लैम्प लोडर से अटैच हैं नाव ए क्वेश्चन अराइज हेयर डेट हाउ डू द मल्टीपल डी एन ए पोली मेरेज रिमेन लिंक्ड एट द रेप्लीकेशन फोर्क जैसे कि मैंने बात की कि जो सिंगल स्टैंडर्ड जो डी एन ए क्रिएट होता है हेलिकेज के थ्रू रेप्लीकेशन फोर्क पे वो जल्दी ही ब्रेक डाउन हो जाता है अगर वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो म्यूटेशन क्रिएट होती है और वो रिपेयर मशीनरी से भी इतने अच्छे से वो क्या होता है रिपेयर नहीं किया जाता इस वजह से वहाँ पर मल्टीपल पोली मेज इंजाइम एक्ट करते हैं ताकि जल्दी से वो लेगिंग और लीडिंग स्टैंड स्ट्रैंड पे डीएनए को सिंथेसाइज कर दें क्योंकि जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है उस पर तो कॉन्टिन्यूसली जो हमारा सिंथेसिस uh, वो हो जाता है पर लैगिंग स्टैंड पे हमारा उक्का जाके फ्रेगमेंट फॉर्म होता है तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंट पोलीमरेज को लोड करना पड़ेगा तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ डू द मल्टीपल डीएनए पॉलीमरेज रिमेन लिंक्ड एट द रेप्लीकेशन फोर्क वाइल सिंथेसाइजिंग डीएनए ऑन बोथ द लीडिंग एंड लेगिंग टेम्पलेट स्ट्रेंड तो यहाँ पे ये जो एक्सप्लेन किया जा रहा है ये एक्सप्लेन किया जा रहा है ट्रोम्बोन मॉडल के थ्रू ये एक्सप्लेन करता है कि जो कपलिंग है एंजाइम की वो ये प्रपोज करती है कि जो रेप्लीकेशन मशीनरी है उसको एक्सप्लोइ करना है फ्लैक्सिबिलिटी डी की एंड द टॉर्क प्रोटीन की जो टॉर्क प्रोटीन वो किस में प्रेजेंट होता है हमारा स्लाइडिंग लोडर में तो यहाँ पे जो एलिकेज है वो अनवाइंड करेगा डीएनए को रेप्लीकेशन फोर पे और जो लीडिंग स्ट्रेंड टेम्पलेट का है वो एक्सपोज हो जाएगा और डिफरेंट जो डी एन ए पोमरेज है इमिडिएटली उस पर एकट करने स्टार्ट हो जाएंगे और कॉन्टीन्यूस ट्रेंड है जो कम्प्लीमेंटरी डी एन ए का वो सिंथिसाइज हो जाएगा पर जो लेगिंग टेम्पलेट होता है वो इमिडिएटली एक्ट नहीं किया जाता डी एन ए पोलिम्रेज के थ्रू बल्कि उसको कौन बाइंड करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स तो यहाँ पे जो लेगिंग स्टैंड होता है यहाँ पे हेलीकेज इंटरेक्ट करता है डिफरेंट टाइप्स के प्राइमर्स के साथ क्योंकि वहाँ पे हमें स्ट्रेचिज़ में डी एन ए सिंथिसाइज करना फ्रेगमेंट में सिंथेसाइज करना है, तो बहुत सारे प्राइमर की जरूरत होती है तो वहाँ पर जो हैलीकेज है वो इंटरेक्ट करता है प्राइमर्स के साथ टू तो सिंथेसाइज ए न्यू आर प्राइमर ऑन द लेगिंग स्टैंड टेम्पलेट जिसकी वजह से हमारा आर एन हाइब्रिड क्रिएट होता है और वो रिकॉगनाइज किया जाता है प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन की फॉर्म में और क्या प्राइमर और टेम्पलेट जंक्शन की फॉर्म में वो रिकॉग्नाइज किया जाता है स्लाइडिंग लोडर के थ्रू और जो स्लाइडिंग क्लैंप है वो असेंबल कर जाता है इस साइट पे जहाँ पे हमारा प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन प्रेजेंट होता है और एक सेकेंड डीएनए पोलिम्रेस थर्ड जो है वो इंजाइम इनिशिएट कर देता है लेगिंग स्ट्रेंथ सिंथिस क्योंकि जो फर्स्ट डी एन थर्ड इंजाइम है वो तो स्टार्ट कर चुका है एप्लीकेशन और न्यू डीएनए सिंथेसिस एट आवर लीडिंग स्ट्रेंथ सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस च्रोमल इन डिटेल एज यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर ए यहाँ पे जो शो किया गया वो किया गया है ये डी एन ए हेलीकेज जोकि यहाँ पे ऑरेंज कलर में है ये ग्रीन कलर में हमारे थ्री डी एन ए पोलीमरेज है जो कि कोर डी एन ए पोलीम्रेज थर्ड एंजाम है और ये इस हेलीकेज इंजैम से कैसे अटैच हो रहे हैं टॉर्क सब यूनिट्स के थ्रू और तो यहाँ पे जो ये रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर शो किए गए हैं ये हमारे स्लाइडिंग क्लैम्प है और ये हमारा स्लाइडिंग लोडर है जिसमें फाइव सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं और ये दिखाया गया है टॉर्क प्रोटीन की ये स्लाइडिंग जो लोडर है उससे ये जो है हमारे डी एन ए पोलिमरेज हैं ये लिंक हो रहे हैं लिंक लिंक, लिंक फ्लैक्सीबल लिंकर के थ्रू और टॉर्क प्रोटीन के थ्रू तो यहाँ पे क्या होता है जो डीएनए एन है ई कोलाई में वो डी एन एप्लीकेशन फोर पर ट्रेवल करता है लेगिंग स्टैंड में जो कि यहाँ पर जो ग्रे कलर में हमारा ये शो किया गया है ये शो किया गया है हमारा लैगिंग स्ट्रेंड ग्रे कलर में और जो ये पिंकिश uh, और औरजिस कलर में जो शो किया गया है ये न्यू डीएनए स्ट्रैंड शो किया गया है तो यहाँ पे जो ये स्ट्रैंड है हमारा ये है हमारा लैगिंग स्ट्रैंड जो कि फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम वाली डायरेक्शन में है और इस पर हमारा जो डीएनए uh, एन है वो बाइंड होता है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम वाली डायरेक्शन में और यहाँ पे ये जो बीड्स शो किए गए हैं ये है हमारे सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्योंकि हमें ये पता है कि जो हमारा यहाँ पे आ, आ, जो लीडिंग स्टैंड फॉर्म होता है उस पर इमिडिएटली uh, हमारे डी एन ए एक्ट कर जाता है जो कि यहाँ पे शो कर रखा है जिसकी वजह से कॉन्टीन्यूस डीएनए सिंथेसाइज होता है कॉन्टीन्यूस डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है पर यहाँ पे जब हम लैगिंग स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़े टाइम के बाद हमारा डी एन होना स्टार्ट होता है इसलिए यहाँ पर इस सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबल रखने के लिए सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पर बाइंड कर जाते हैं और स्टेबल स्टेबलाइज कर देते हैं ये कैसे स्टेबलाइज करते हैं स्टैकिंग इंट्रैक्शन के थ्रू और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके इन सिंगल स्टैंड के बेस पेयर के साथ ये उसको स्टेबलाइज़ करते हैं तो यहाँ पे डीएनए पोलिम्रेस थर्ड जो है वो यहाँ पे इंट्रैक्ट कर रहा है डी टॉर्क जो हमारी सब यूनिट प्रेजेंट है स्लाइडिंग लोडर में उसके साथ जो बाइंड कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कोर प्रोटीन से वन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज रेप्लिकेटिंग द लीडिंग स्ट्रेंथ जो कि यहाँ पे शो किया गया है वाइल्ड द अदर टू डी एन ए कोर इंजीएम डेडिकेटेड टू रेप्लीकेटिंग द लेगिंग स्ट्रेंथ जो दो अलग जो हमारे डीएनए पॉलीमरेज है वो दोनों क्या कर रहे हैं लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर रहे हैं और यहाँ पे सिंगल स्टैंड बाइंडिंग जो प्रोटीन है वो कोट कर रहा है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रीजन को यहाँ पे टू इंजेंम्स की जरूरत क्यों पड़ रही है क्योंकि वो ओका की फ्रेगमेंट की फॉर्म में यहाँ पर सिंथिसाइज हो रहा है हमारा न्यू डी एन स्ट्रेंड और स्ट्रेच की फॉर्म में सिंथिसाइज हो रहा है hmm. यहाँ पे जो हमारे शो किए गए हैं ये हमारे सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीनस हैं ये हमारी जो सेकेंड पिक्चर है इसमें शो किया गया कि यहाँ पे एक अदर एंजाइम जो कि हमारा प्राइमेज है वो लेगिंग स्टैंड पे यहाँ पे बाएं डो रहा है ग्रीनिश कलर में जो कि यहाँ पे शो किया गया है डीएनए सॉरी आरएनए एन और ये क्या सिंथेसाइज कर रहा है आरएनए प्राइमर जो यहाँ पे ग्रीन कलर में जो ये शो किया गया ये है ये हमारा आरएनए प्राइमर क्योंकि हमें डिफरेंट आर प्राइमर की जरूरत होगी क्योंकि वहाँ पर ओका जाके फ्रेगमेंट की फॉर्म में डी एन होगा लेगिंग स्टैंड पे तो यहाँ पे हमारा आर जो प्राइमेज है वो एक्ट कर रहा है विद एसोसिएशन विद दिस हेलिकेज एंजाइम जो कि यहाँ पे आ, हमारा ऑरेंजिश कलर में शो किया गया है लैगिंग स्टैंड पे टू सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर और यहाँ पे थर्ड पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा जो डीएनए एन यहाँ पे जो प्राइमेज एंजाइम है वो एसोसिएट होता है हेलिकेस के साथ और न्यू प्राइमर्स की सिंथेसिस करता है ऐसे ही जो डीएनए एन यहाँ प, जो डीएनए एन ए है वो यहाँ पे लोड कर दिया जाता है स्लाइडिंग डीएनए एन क्लैंप लोडर के साथ और स्लाइडिंग डीएनए एन ए क्लैंप लोडर यहाँ पे स्लाइडिंग क्लैंप के साथ यहाँ पे लोड कर रहा है ओ डीएनए ए थर्ड को किस पे रिजल्टिंग प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन पे क्योंकि हमें यह पता है कि जो स्लाइडिंग क्लैंप लोडर है वो तभी स्लाइडिंग क्लैंप को लोड करता है जब वहां पे प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन प्रेजेंट हो तो यहाँ पे जब हमारा प्राइमेज जो है वो प्राइमर सिंथेसाइज कर देता है उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं एक रिंग स्ट्रक्चर जो कि ब्लूइश कलर में है ये हमारा क्या है स्लाइडिंग क्लैम्प है ये और ये स्लाइड जो स्लाइडिंग क्लैंप है ये किसने लोड किया है ये स्लाइडिंग क्लैम्प ने लोड किया है क्यों कि, किसको रिकॉग्नाइज करके प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करके जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एक जो डी एन थर्ड इंजाइम है वो इंगीज न्यूरा हो रहा ए सिंथेसिस में बट जैसे ही हमारा जो ये डी एन क्लैंप लोडर है वो असेंबल हो जाता है स्लाइडिंग क्लैंप लोडर के साथ तो ये जो हमारा सेकेंड uh, जो डी एन ए होता है यहाँ पे वो भी क्या हो जाता है इंगेज कर जाता है लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज दोबारा डीएनए सिंथेसिस में ये रिको, आ, इंगेज कर जाता है और रैपिडली रिकॉग्नाइज करता है लोडेड स्लाइडिंग क्लैंप को और ये क्या कर जाता है स्टार्ट कर देता है अपने जो न्यू ओकाजाकी फ्रेगमेंट की सिंथेसिस एट प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन क्योंकि यहाँ पे भी प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन फॉर्म हो फोमरा इसलिए यहाँ पे स्लाइडिंग क्लैम्प लोडर जो है वो स्लाइडिंग क्लैम्प को लोड कर देगा और जैसे ही वो स्लाइडिंग क्लैम्प को लोड करे लोड करेगा जो डी एन ए पुल में है जो इंगेज नहीं हो रखा था हमारी रेप्लीकेशन प्रोसेस में वो इंगेज हो जाएगा और मूव करने लग जाएगा स्लाइड सिंगल स्टैंड पे और वो क्या कर देगा यहाँ पर सिंथेसाइज कर देगा अपने नए ओकाजाकी फ्रेगमेंट किस पे लैगिंग स्ट्रैंड स्टैंड पे और यहाँ पे जो हमारा पहले से इंगेज था डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कोर एंजाइम जो हमारा सिंथेसाइज कर रहा था उकाजा की फ्रेगमेंट को लैगिंग स्ट्रैंड पे वो जब एंड पे पहुँच जाएगा इस उका जा की फ्रेगमेंट के तो वो क्या हो जाएगा स्लाइडिंग क्लैम्प से जो कि यहाँ पे एक ब्लूश रिंग में शो किया गया है और ये ग्रीनिश कलर में हमारा डी एन ए पोलिम्रेस थर्ड है जो पहले बाउंड हुआ था हमारे लैगिंग स्ट्रैंड पे वो इस स्लाइडिंग क्लैम्प से डिसोशिएट हो जाएगा और वो रिकोगनाइज करेगा अनदर हमारे उका जा की फ्रेगमेंट और को और लेगिंग्स को और पे फिर जब प्राइमेज एक्ट करेगा प्राइमर सिंथेसाइज सिंथेसाइज करेगा आ, करेगा प्राइमर को तो वहां पे प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन फॉर्म होगा फिर वहां पे दोबारा से स्लाइडिंग जो लोडर है वो रिकॉग्नाइज करेगा प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन को और दोबारा से वो वहां पर लोडिंग करेगा इस स्लाइडिंग क्लैम्प की अलॉन्ग विद और ये जो स्लाइडिंग क्लैम्प है डीएनए से भी बाइंड होगा और ये डीएनए एन ए कोर एंजाइम जो कि यहाँ पे थ्री पोलिमरेस थर्ड एंजाइम है उसके साथ भी एशोशिएट कर जाएगा ताकि हमारा जो डीएनए एन ए थर्ड है वो मूव कर सके स्लाइडिंग कर सके जो ओक्का जाके फ्रेगमेंट है उस पर और ओक्का जाके फ्रेगमेंट को सिंथिसाइज़ कर सके लेगिंग लेगिंग स्टैंड पे

लोडर के थ्रू और स्लाइडिंग क्लैम्प के थ्रू ये उका जाके फ्रेगमेंट को सिंथिसाइज कर रहे हैं सो दिस वॉज द मॉडल टू एक्सप्लेन हाउ डज द डी डी एन ए सिंथिसाइज एट द रेप्लीकेशन फोर्क बाय थ्री कोर पोलिमरेज डैट इज जॉइंट टू स्लाइडिंग क्लैम्प एंड स्लाइडिंग लोडर इन ए डी एन ए होलो एंजाइम फोम और इन ए होलो एंजाइम कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंड ट्रोम्पोर्ट मॉडल ऑफ डी एन एसिस एट एप्लीकेशन फॉर्क इन मोर क्लियर फो वे एंड सी हेयर की ये जो हैलीकेज है डबल स्टैंड डी एन ए पे बाइंड होकर इसको सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट कर रहा है और ये जो बोल लाइक ग्रीनी स्ट्रक्चर है ये हमारा सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन है जो स्टेबलाइज कर रहा है सिंगल स्टैंड को और जो यहाँ पे ये सिंगल स्टैंड एक लेगिंग स्टैंड क्रिएट होगा एक लीडिंग तो ये जो लीडिंग स्टैंड है ये पे डी एन ए थर्ड वो बाइंड कर रहा है हमारे स्लाइडिंग लोडर से और जो लीडिंग स्टैंड है वो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में है और इस वजह से ये डी एन ए जो है इसको कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन में सिंथेसाइज कर रहा है लीडिंग स्ट्रैंड को उसके बाद जो है हमारा जैसे कि हमें पता है ये हमारा स्लाइडिंग लोडर है और ये हमारी टोर्क सब यूनिट है जो कि फ्लेक्सिबल लिंक करके थ्रू डी एन से अटैच है ये हमारा हेलीकेज है जो यहाँ पे ग्रीनिश स्ट्रक्चर जो आर एन ए है उससे अटैच है आर एन क्या कर रहा है आर एन ए प्राइमर सिंथिसाइज कर रहा है क्योंकि उसका जाकर फ्रेगमेंट जो हमारे यहाँ पे लेगिंग स्ट्रेन है थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम डायरेक्शन में उस पर बहुत सारे हमें क्या करने पड़ते हैं आर एन प्राइमर की जरूरत होती है क्योंकि स्ट्रेचेज में डीएनए सिंथेसाइज होता है तो यहाँ पे जो स्लाइडिंग लोडर है वो क्या करेगा जब ये प्राइमर सिंथेसाइज हो जाएगा तो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन को क्या करेगा रिकॉग्नाइज करेगा और ये जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूल जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो हमारे लैगिंग स्टैंड पे बाइंड हो जाएंगे और फिर हमारा हेलीकेस एक्टिवेट होगा और इस लैगिंग स्टैंड को ओपन अप करेगा बाय ओपनिंग दिस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जैसे कि हमें पता है डीएनए जो है एंटी पैरल स्ट्रक्चर होता है इस वजह से एक हमारा लीडिंग स्टैंड होता है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एक हमारा लैगिंग स्टैंड होता है थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम तो फिर जब प्राइमर टेम्प्रेड जंक्शन फॉर्म कर दिए जाते हैं प्राइमर की सिंथेसिस के थ्रू बाय दिस प्राइमेस तो ये जो हमारा स्लाइडिंग लोडर है ये हमारा स्लाइडिंग लोडर है यहाँ पर यह क्या करता है लोड कर देता है स्लाइडिंग क्लैंप को ये जो रिंग शेप स्ट्रक्चर है ये स्लाइडिंग क्लैंप है और जिसकी वजह से यह डी एन ए पोलिम्रेस मूव कर पाता है और जब ये एंड पे पहुँच जाता है हमारे ओकाजा की फ्रेगमेंट के एंड पे तो ये रिमूव हो जाती है स्लाइडिंग क्लैंप और फिर दोबारा से ये जो हमारा स्लाइडिंग लोडर है ये रिकॉग्नाइज करता है प्राइमर को जो कि हमारा ब्लूइश कलर में है और ये हमारा टेम जो आगे डी एन टी पीस एड किए गए हैं डी एन ए पोलिम्रेस के थ्रू और जब प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन जब फॉर्म होता है तो ये स्लाइडिंग लोडर लोड कर देगा इस रिंग शेप स्ट्रक्चर जो कि स्लाइडिंग जो क्लैंप है और डी एन ए पोलिम्रेस अगेन होकाजा की फ्रेगमेंट को सिंथिसाइज कर देगा और जब हमारा लेगिंग जो स्ट्रैंड है वो पूरी तरह से ओकाजा की फ्रेगमेंट जो है वह सारे सिंथिसाइज हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारा डी एन ए पोलीब्रेस रिमूव हो जाएगा और लेगिज यहाँ पे इनको ज्वाइन कर देगा ओकाजा की फ्रेगमेंट्स को कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट डेट इज इंट्रेक्शन बिटवीन रेप्लीकेशन फोर प्रोटीन फॉर्म करता है ई कोलाई का कोलाइका रेप्लीसोम तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टोर्क सब यूनिट है स्लाइडिंग क्लैंप की वो ये जो यहाँ पे शोक है ये टोर्क सब यूनिट है स्लाइडिंग क्लैंप की ये हमारा स्लाइडिंग uh, क्लैम्प है जो कि रिंग शेप स्ट्रक्चर में स्लाइडिंग लोडर है और जो यहाँ पे ये जो स्लाइडिंग क्लैम्प uh, की जो टोर्क सब यूनिट है ये इंट्रैक्ट करती है डीएनए एन के साथ भी जो कि हमारा ऑरेंजिश कलर में है और वो क्या डी uh, एन के साथ भी जो कि हमारा ग्रीनिश कलर में यहाँ पर शो किया गया है दोनों के साथ वो क्या करती है इंट्रैक्ट करती है और एप्लीकेशन फोर पे फैन दिस इंट्रैक्शन ओके जब ये इंट्रेक्शन होता है तो क्या होता है डी एन एलीकेस अनवाइंड कर देता है डीएनए डबल स्टैंड डीएनए को वो क्या कर रहा है अनवाइंड कर रहा है एक लेगिंग स्टैंड क्रिएट कर रहा है एक लीडिंग स्टैंड ये हमारा लीडिंग स्टैंड है ये हमारा लेगिंग स्टैंड है तो ये क्रिएट uh, कर रहा है हमारा डीएनए एन जो हेलीकेज है वो तो वो सेम रेट पे करता है हेलीकेज अनवाइन डीएनए को जिस पे हमारा डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेट करता है डीएनए तो दोनों का रेट सेम है रेप्लिकेट करने का डीएनए पॉलीमरेज का एंड हेलीकेज का अनवाइन करने का तो यहाँ पे भी हमें जो शो किया गया है हमारा अगर हमारा डी एन हेलीकेज अगर असोशिएट नहीं होगा डी ए थर्ड होलो एंड के साथ जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है डी हेलीकेज जो है हमारा वो हमारा दूर है इस होलो एंजाइम से जैसे कि हमें पढ़ा कि होलो एंजाइम में क्या होते हैं तीन हमारे कोर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होते हैं और एक हमारा स्लाइडिंग लोडर होता है और जो स्लाइडिंग क्लैम्प से अटैच होता है जो कि यहाँ रिंग शेप स्ट्रक्चर है तो ये जो होलो एंजाइम है इससे जब हमारा ये जो हेलीकेज है जो, जो हमारा ऑरेंजिश कलर में है ये हमारा दूर होता है डी पो एन थर्ड पोलिम्रे एंजाइम से तो डी अनवाइंडिंग स्लो हो जाती है अबाउट टेन फोल्ड टेन फोल्ड स्लो हो जाती है इस कंडीशन में डी एन देस रेप्लिकेट करता है फास्टर देन द डीएनए हेलीकेस तो वो फास्टर यहाँ पर रेप्लिकेशन करता है फास्टर देन द डीएनए हेलीकेस और सेपरेट कर देता है जो अनरेप्लिकेटेड डीएनए स्ट्रैंड है उससे रेप्लिकेटेड डीएनए स्ट्रैंड को तो ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होल एंजाइम जो अलो ये ये अलो करता है टू कैच टू द डी एन एलिकेज एंड रीफोम द रेप्ली सोम तो रेप्ली सोम प्रोसेस क्या है जिसमें हमारा डी एन ए हेलिकेज जो है वो ओपन अप कर रहा है डबल स्टैंड डी एन ए को और सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट कर रहा है जिसकी वजह से हमारा डी एन ए पोल्बरेस जो है वो एक्ट कर पाएंगे पर कई बार क्या होता है जब यह रिमूव हो जाता है या दूर होता है हमारे होल्जैम से तो रेप्लीकेशन फास्टली होती है जिसकी वजह से हमारा जो रेप्लीकेशन होने के बाद डी एन ए पोल्बरेस इसके साथ दोबारा से बाइंड करता है और रेप्ली सोम क्रिएट करता है यहाँ पे जो हमारा हेलीकेस होता है जो यहाँ पे ऑरेंजिश कलर में शो किया गया है इसके दो इंट्रैक्शन होते हैं एक होता है जो होलो इंज़ाइम डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होल एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ एक होता है प्राइमेज के साथ क्योंकि अगर ये प्राइमेज के साथ नहीं इंट्रेक्ट करेगा तो प्राइमर सिंथिसाइज़ नहीं होगा और फिर ये जो स्लाइडिंग लोडर है ये प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और इस स्लाइडिंग क्लैम्प को जो कि यहाँ पर रिंग शेप स्ट्रक्चर उसको लोड नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से जो डी एन ए पोलिम्रेस थर्ड है वो मूव नहीं कर पाएगा स्लाइड नहीं कर पाएगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा लेगिंग और लीडिंग स्टैंड पर और हमारा न्यू स्टैंड सेंथिसाइज नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर जो इंट्रेक्शन होता है इस एलिकेज का वो प्राइमेज के साथ होता है और डी एन ए पोलिम्रेस थर्ड होलो एंजाइम्स के साथ होता है हाउ लेटर्स टोक अबाउट डी एन ए सिंथिस एट द रेप्लीकेशन फॉर इन केस ऑफ यू कैर जो यू कैरियड्स होते हैं वहाँ पर थ्री डी एन ए पोमरेज की रिक्वायरमेंट होती है हमारे डी एन ए पोलिमरेज एल्फा की जरूरत होती है जो कि एज ए प्राइमेज एक्ट करता है और वो क्या करता है प्राइमर सिंथिसाइज कर देता है और दूसरे जो होते हैं वो होता है डी एन ए पोलिमरेज डेल्टा एंड एप्सी तो जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है यहाँ पे वो क्या करता है वो डीएनए एन ए के साथ एसोशिएट होता है और हमारे लेगिंग्स स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है जो कि यू में प्रेजेंट हो फॉर्म होता है हेलीकेज एंजाइम्स के थ्रू तो जो यू कैरियोट होता है वो होता है हमारा एम सी एम टू टू सेवन कॉम्प्लेक्स जी तो वो ओपन अप करेगा हमारे डबल स्टैंड डीएनए को फिर यहाँ पे हमारा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा बाइंड होगा जो कि प्राइमेस की डायरेक्ट करेगा और आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज करेगा फिर हमारे यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड पे बाइंड हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड होगा वहाँ पर बाइंड हो जाएगा पोलिम रेज एप्सिलोन जो कि यहाँ पे शो किए गए हैं जिसकी वजह से हमारा डी ए न्यू डी स्ट्रैंड ए सिंथिसाइज हो जाएगा पर यहाँ पे यूकैरियोटिक स्लाइडिंग क्लैंप लोडर जो होता है वो होता है आरएफसी ये इस तरह एक्ट नहीं करता जैसे हमारा डीएनए पॉलीमरेज जो स्लाइडिंग क्लैंप लोडर होता है यूकैरियोट्स के केस सॉरी प्रोकैरियोट्स के केस में वो उसमें होता है हमारा बिट्टा जो स्लाइडिंग क्लैंप लोडर होता है वो यहाँ पे आर के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करता तो इन दोनों में डिफ्रेंस होता है So today we have learned about the DNA synthesis at the replication fork and we have understand about trom trombone model how does it act or it explain the synthesis of DNA at in case of prokaryotes at the replication fork. So if you like my video then please thumbs up and if you are not my subscriber then subscribe to my channel and if you have any query then write in the description box given below. Thank you so much for watching my videos.